वेन अ टीचर स्टार्ट्स टीचिंग अ टीचर मस्ट बी गाइडेड बाई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉलोड बाई स्ट्रैटजीज एंड टूल्स टू अकम्पलिश द टास्क एंड देन इवेलुएट द टास्क जब भी एक टीचर पढ़ाने के लिए क्लास रूम में जाने वाले होते हैं तो उनके पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अगर है तो उनको सही गाइडेंस मिलता है कि वो क्लास रूम में जा कर के क्या पढ़ाएंगे और इसी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही वो स्ट्रैटीज या कह सकते हैं तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और चयन भी करते हैं साथ ही साथ जब पढ़ाई होता है तो उसके आखिरी में इवालुएट जब करते हैं या मूल्यांकन करते हैं तो वो भी आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू डू अपॉन कंप्लीशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पे हम लोग वर्ड करते हैं यूज जो है लर्निंग एक्सपीरियंस क्योंकि जब भी क्लासरूम में बच्चे कुछ सीखते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक स्टेटमेंट है जिसमें डिस्क्राइब करते हैं कि स्टूडेंट जब क्लास ख़त्म होगा तो वो क्या सीख पाएंगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है अधिगम उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स आर टूल्स टू इंश्योर योर स्टूडेंट्स रीच द गोल तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऐसा होता है कि ये बताते हैं कि आपके स्टूडेंट्स गोल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे न इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रिलेट टू इंटेंडेड आउटकम्स जो हम लोगों ने सोचा है कि आउटकम ये आना चाहिए या एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए उस पर ही आधारित हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होता है आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही स्पेसिफिक वे में लिखा जाता है और इसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं थर्ड है कंसर्न विद स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा से ही कंसर्न होगा स्टूडेंट्स के साथ ना कि टीचर्स के साथ क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो वो स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि जब क्लासरूम में जब भी जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो खत्म होगा तो बच्चे क्या कर पाएंगे इसलिए यहाँ कहा गया है कि इट इज़ कंसर्न विद स्टूडेंट्स नीड फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्यों ज़रूरत होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का पहला स्पेसिफाइज व्हाट द स्टूडेंट शुड लर्न टू डू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बताता है कि स्टूडेंट्स को क्या सीखना है नंबर टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द टीचर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू अटेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीचर को भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एक डायरेक्शन देता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाते हुए बच्चों को पढ़ाना है नंबर थ्री प्रोवाइड गाइडेंस टू द क्वेश्चन पेपर सेटर फॉर इवालुएटिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट जब भी एक क्वेश्चन पेपर सेटर होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करता है वो क्वेश्चंस बनाते समय देखता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रखा गया था बच्चों को पढ़ाते वक्त और वही ऑब्जेक्टिव को बेसिस मान करके क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है नंबर फोर हेल्प्स द इंस्ट्रक्टर चूज़ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल एंड लर्निंग स्ट्रैटजीज इंस्ट्रक्टर या टीचर को मदद करता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिवस कि वो प्रॉपर लर्निंग स्ट्रैटजीज चूज़ कर पाए और उस स्ट्रैटीज़ को ही क्लास में इस्तेमाल करें लास्ट हेल्प फोकस अटेंशन ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क एंड इंफॉर्मेशन जब हम लोग एक क्लास में जाते हैं जिसमें फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स होता है ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में रख करके के जाए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातों पे चर्चा करें क्योंकि हमारे पास नॉलेज बहुत होता है और हम लोग बहुत बात कर सकते हैं उस टॉपिक पे लेकिन जो मेन पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा उस चीज़ को हम लोगों को फोकस करना चाहिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि इसका तीन डोमेन है पहला है कॉग्नेटिव डोमेन ज्ञानात्मक पक्ष एफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष और साइकोमोटर डोमेन क्रियात्मक पक्ष ये तीनों जो डोमेन है ये अलग अलग टाइम में दिया गया जो कागनेटिव डोमेन है वो 1956 में था और इफ़ेक्टिव डोमेन 1964 में दिया गया और क्रियात्मक पक्ष या डोमेन 1969 में दिया गया किसके द्वारा दिया गया बेंजामिन ब्लूम्स के द्वारा दिया गया था तो हम लोग यहाँ पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी देखने का मतलब ही है कि अगर हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के जो कॉग्नेटिव डोमेन है उसको हम लोग बेस करके बनाते हैं यहाँ हम लोग देखेंगे इस स्लाइड में कि एक साइड लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में देन और राइट हैंड साइड में नाव लिखा हुआ है और पिरामिड दो बना हुआ है जब 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दिया था तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पिरामिड के स्टेप्स को फॉलो करते थे जो था नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथिस एंड इवालुएशन ये सारा पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो राइट हैंड साइड नाउ जो लिखा हुआ है वो 2001 में चेंजेस लाया गया एंडरसन एंड क्रैथवोल के द्वारा और इसमें स्टेप्स है रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग तो हम लोग यहाँ पे चेंजेस देखते हैं वर्ड्स में जैसे पहले जो नॉलेज था वो अब रिमेंबरिंग हो गया है पहले कॉम्प्रीहेंशन था वो अंडरस्टैंडिंग हो गया और पहले जहाँ सिंथेसिस था अभी इसमें हटा करके अब यहाँ नया ऐड किया गया है इवेलुएटिंग से भी ऊपर है क्रिएटिंग सो so, बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं जो हम लोग इंस्ट्रक्शनल uh, ऑब्जेक्टिव में शायद नहीं यूज़ करना चाहिए बहुत ही वेग होते हैं क्योंकि समझ नहीं आता उसका क्लियर मीनिंग डिफाइन नहीं होता है जैसे टू नो टू अंडरस्टैंड टू इंजॉय टू ग्रेस्प द सिग्निफिकेंस ऑफ टू बिलीव टू अप्रिशिएट मतलब ये सारे वर्ड्स जब हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो ये सारे वर्ड्स को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी तो नो में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हाउ विल द स्टूडेंट्स

to list, to compare. ये सारे words का बहुत ही clear meaning रहता है जैसे अगर हम लोग बोलना चाहें the students will be able to write five importance of studying economics very clear कि बच्चे पाँच महत्व को लिख पाएंगे next the students will be able to define economics बहुत क्लियर कि इकोनॉमिक शब्द को परिभाषित कर पाएंगे सो so, यहाँ ये वर्ड्स है ये बहुत ही क्लियर मीनिंग के साथ है और हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के लिए एक्शन वर्ड्स दिया हुआ है हर एक स्टेप के लिए जो हम लोगों को यूज़ करना चाहिए जैसे कि रिमेंबर के लिए डिफाइन लिस्ट रिकॉल आइडेंटिफाई यूज़ करना चाहिए अंडरस्टैंड के लिए री स्टेट समराइज एक्सप्लेन इलास्ट्रेट गिव एग्जाम्पल मैथ क्लासीफाई ये सारा वर्ड्स यूज कर सकते हैं अप्लाई के लिए चूज ड्रामेटाइज एक्सप्लेन ऑर्गेनाइज प्रिपेयर प्रोड्यूस डेमोन्स्ट्रेट स्केच सॉल यूज़ नेक्स्ट स्टेप एनालाइज के लिए कैटेगराइज क्लासीफाई कंपेयर डिफ्रेंशिएट डिस्टिंगविश पॉइंट आउट सेलेक्ट सब डिवाइड सर्वे इवालुएट के लिए यूज़ कर सकते हैं अप्रेज जज क्रिटिसाइज डिफेंड कंपेयर और जो सबसे टॉप मोस्ट पिरामिड में था वो है क्रिएट या क्रिएटिंग जिसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट क्रिएट डिज़ाइन डेवलप फॉर्मुलेट हाइपोथेसाइज इन्वेंट मेकअप ऑरिजिनेट ऑर्गेनाइज प्लान प्रोड्यूस रोल प्ले सो ये सारे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में अभी यहाँ पर फ्यू एग्जाम्पल्स दिया हुआ है जो हमारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो ये दो दो हम एग्जाम्पल्स दिए हैं हर स्टेप का द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म पॉवर्टी द स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट डाउन द डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी ये दोनों नॉलेज बेस्ड है नॉलेज को जिसको चेंज किया गया है जिसको आप लोग ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं इसके बाद है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनारियो ये दोनों आ जाता है अंडरस्टैंडिंग में उसके बाद है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कैटेगराइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर द थ्री सेक्टर्स ये दोनों आ जाएगा एनालिसिस में यहाँ पर बीच में जो अप्लाई था उसको स्किप कर दिए हैं क्योंकि हर चैप्टर में इकोनॉमिक्स का हम लोग अप्लाई वाला स्टेप को यूज नहीं कर सकते हैं देन आता है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चर लैंड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिंग इकोनॉमिक्स तो ये दोनों आपका आ जाता है इवैल्यूएशन में और इसके बाद एक और आता है क्रिएटिंग जिसको अवॉइड किए हैं क्योंकि क्रिएटिंग अगेन हम लोग के इकोनॉमिक्स में ज़रूरी नहीं है कि वी क्रिएट समथिंग कुछ नया बनाएं इसीलिए उस चीज़ को भी छोड़ दिए तो मेनली जो आपके स्टेप्स जो होते हैं वो उस पर बेस्ड हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने बोला था कि ऊपर के दो जो हैं सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स जो नॉलेज है नॉलेज एंड रिमेम्बर ये दोनों ही सेम हैं बट उसके जो वर्ब में उसको चेंज कर दिया गया है जहाँ पे आप लोग इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा है कि एक्शन वर्ब्स को यूज़ करने का कोशिश किया गया है सो थैंक यू एवरीवन